सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y17s डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन सेटिंग को यूज कैसे करेंगे। गाइस ये जो सेटिंग्स होती है ये जब भी आपके फोन पे कोई इनकमिंग कॉल्स आएगी तो बैक कैमरा आपका है उसका जो लाइट है वो ब्लिंक करता है, तो ये मैसेज में भी आती है। इवन गाइस अगर कैलेंडर इवेंट वगैरह कोई रिमाइंड करा रहा तब भी ये आती है, तो इंटरेस्टिंग लगती है। हालांकि सबसे ज्यादा तो हमें ये देखने को मिलता है कि रात के टाइम अगर हमारी नोटिफिकेशन लाइक कर सकते हो बंद है इनकमिंग कॉल की तो भी ये लाइट ब्लिंक करती है, तो हमसे आसानी से हम जान जाते हैं कि हमारे फोन पे कॉल आ रहा है या कोई मैसेज आ रहा है। अभी चलो डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को टर्न ऑन कैसे करना है। वेल गाइस इस सेटिंग को टर्न ऑन करने के लिए ओपन करना होगा हमें अपना फोन सेटिंग्स हमारी यहाँ पर हमने इसको ओपन कर दिया है। स्क्रॉल करके नीचे आना है, इसमें एक सेटिंग्स मिलेगी शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, एक बार जस्ट आपने प्रेस करना है, देन मल्टीपल ऑप्शन शो करेंगे। इसमें आपको एक सेटिंग्स और मिल जाती है देखने को फ्लैश नोटिफिकेशन करके, आप इस सेटिंग को अपने सर्च बार में टाइप भी कर सकते हैं, इजीली सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएगी। देन यहाँ इसको प्रेस करना है एंड ये एक सिंगल क्लिक के अंदर ऑफ हो जाता है, सिंगल क्लिक के अंदर ऑन हो जाता है। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो नो डाउट इजीली कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे अगर आप यहाँ पर इंस्टेंट ही ऑन करके डेमो कर रहे हैं तो स्क्रीन लाइट को बंद करके डेमो करना या तभी काम करता है। ऐसा नहीं कि स्क्रीन की लाइट चल रही है तो भी वो ब्लिंक करेगा, स्क्रीन की लाइट जब ऑफ होती है तभी ये काम करता है। सो आई होप कि आप समझे होंगे फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन सेटिंग्स को ऑन कैसे करना था वीवो के Y17s डिवाइस के अंदर।